क्या है दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली सलमान। वेलकम टू बिजनेस मिर्ची। और आज मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं जैस्पर कनाडा से। यस सर, जैस्पर कनाडा से। यह है नेशनल पार्क, आप पीछे देख सकते हैं। और इस नेशनल पार्क में लाइक यू नो आपको बेसिकली लाइक यू नो माउंटेन्स मिलेंगे, रिवर्स, जानवर, बेयर्स, डियर्स, एल्क के। बट मैंने आज की जो वीडियो है ना, वो है फोकस एक इम्पॉर्टेंट लेसन के ऊपर। लेसन जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू बिजनेसेस और स्पेसिफिकली ऑनलाइन बिजनेसेस के। मैं कनाडा आया था 2005 की अगस्त के अंदर मैं कनाडा आया। और हर नए मुल्क में आके आपको पता है कि भाई आपने एडजस्ट होना पड़ता है, आपने बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। तो मैंने भी भाई बाथरूम साफ किया, हर तरह की जॉब की, गैस स्टेशन में किया, फास्ट फूड में भी मैं भी जॉब की और हर जगह जॉब की और जॉब्स करते रहा। जाहिर सी बात है स्टूडेंट लाइफ भी थी। 2009 के अंदर मुझे एक अच्छी जॉब मिली सीयर्स के अंदर। सीयर्स जो है कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा रिटेलर है, अप्लाइंसेस बेचते हैं, वो कपड़े भी बेचते हैं। वहाँ मुझे जॉब मिल गई और कुछ महीनों के बाद मैं बन गया वहाँ पे मैनेजर। उस सीयर्स के अंदर डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया और भी अच्छे पैसे मिलने लग गए। ओके, अच्छा फिर क्या हुआ सर जी? फिर ये हुआ कि सीयर्स में मेरी जॉब ज़बरदस्त जा रही थी और सीयर्स का एक कंपेटिटर है, उसका नाम है ब्रिक। और वहाँ पे मैंने फिर जॉब ले ली ब्रिक के अंदर, तकरीबन लाइक यू नो डेढ़ साल के बाद, 2010 के करीब की बात है ये। और वहाँ पे जब मैंने ब्रिक में काम करना शुरू किया तो भाई मेरी जॉब भी अच्छी थी, तनख्वाह बहुत अच्छी थी। और जब जॉब अच्छी होने की बात होती है तो आप यही बोलते हैं कि पैसे अच्छे मिल रहे थे आपको। ओके, और मैं उस टाइम पे उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा था। और 2011 के करीब हमने वेबसाइट लॉन्च की अक्रॉस कैनेडा, द ब्रिक डॉट कॉम करके। मैं अब उस पार्ट टीम का पार्ट था। और ब्रिक जो है ना, वो कनाडा के अंदर सबसे बड़ा अप्लाइंसेस का और फर्नीचर का रिटेलर है। ओके, पैसे अच्छे थे, ज़बरदस्त सक्सेस थी मुझे। अपने ही रोल के अंदर और भी एडवांसमेंट मिली ब्रिक के अंदर। बट 2012 के अंदर एंड में, 2012 के अंदर एंड में, नवंबर दिसंबर की बात है, मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने ब्रेक छोड़ देना है। अब भाई एक जॉब ज़बरदस्त है आपकी, आपको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ देना है? वो एक रीज़न की वजह से। और वो रीज़न क्या था? वो रीज़न था आज़ादी, वो रीज़न था फ्रीडम। जब मैं ब्रेक में काम कर रहा था ना दोस्तों, मैं कर रहा था कुत्तों की तरह काम। ओके, पैसे थे अच्छे, पर 14-14 घंटे, 15-15 घंटे मैं डालता था अपने काम के अंदर। तो मैंने क्या रियलाइज़ किया उससे सीख कर? मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार देखें, पैसे जो है ना, वो तो बन जाते हैं। पैसे तो आपके जॉब पे भी बन जाते हैं, पैसे तो आप बिज़नेस भी करते हैं तो उससे भी बनते हैं। अगर आप होशियार हैं तो आप पैसे बनाएंगे। दैट्स नॉट द क्वेश्चन एंड दैट्स नॉट द चैलेंज। ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज लाइक यू नो, जो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी फ्रीडम की। क्या आप कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? राइट? तो आज मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ इस ब्यूटीफुल डे के अंदर। और मैं यहाँ पे आया हूँ, ना मैंने जॉब को, ना मैंने अपने बॉस को जवाब देना है, ना मुझे कोई रोक सकता है। राइट? तो बिजनेस के अंदर आपको पैसे के अलावा, देखिए पैसे तो इम्पोर्टेंट है, पैसे से तो उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है ना, अगर आपने बिजनेस करना है तो उससे आपको मिलती है फ्रीडम। फ्रीडम वो कि आप जो दिल से चाहते हैं आप करें। आपने जाना है एक महीने घूमने, आप जाएं। आपने छुट्टियां लेनी है बिकॉज आपके घर पे बेटा हुआ है, बेटी हुई है, आप लें। आप छुट्टियां लें क्योंकि भाई घर में कोई मसला है, कोई पास अवे हो जाता है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लें। जॉब के अंदर क्या मसला है? जॉब के अंदर आपको पैसे मिल जाते हैं,
पर आपको कुत्तों की तरह काम करना पड़ता है। तो एंड ऑफ द डे मेरा यहाँ से वीडियो शूट करने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि फ्रीडम, रीज़न ये था आज़ादी। 2012 के अंदर मैंने अपनी बेसिकली जॉब छोड़ दी, मेरे भाई ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमने कंपनी स्टार्ट की रैपिड बूस्ट करके, और हमने बेसिकली मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू की अपने क्लाइंट्स के लिए। और माशाल्लाह बहुत मेहनत के बाद आज हमारी कंपनी जो है वो वेस्टर्न कैनेडा के अंदर काफ़ी रिकग्नाइज है। बट उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि दोस्तों देखें, 2017 के अंदर मैंने 8 ट्रिप्स ली, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है। 8 ट्रिप्स। अब मैं ये नहीं बताना चाह रहा आपको कि भाई मुझे, मैं एज अ ब्रैगिंग थिंग्स आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मेरा इंटेंशन नहीं है यहाँ। द रीज़न मैं आपको ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो चूँकि मैंने 8 ट्रिप ली, क्योंकि मेरा बिजनेस है, क्योंकि मैं लैपटॉप लेके कहीं पर भी जा सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, तो जो फ्रीडम का जो कॉम्पोनेंट है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं ना, और फ्रीडम आपके लिए बड़ी क्रिटिकल है एक चीज़, तो ऑनलाइन बिजनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि पहली बात तो ये कि आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। चूँकि आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कोई आपको डिक्टेट नहीं कर रहा, कोई आपको धक्का मार के उठा नहीं रहा सुबह, राइट? यस, आप उठते हैं क्योंकि आपको खुद मोटिवेशन है उस चीज़ करने की। तो स्टोरी को शेयर करने का मकसद ये था कि देखें, अगर आप बिजनेस में जाते हैं ना पैसे की वजह से, तो पैसा शुडन्ट बी योर बिगेस्ट मोटिवेटर। क्योंकि पैसे का मसला ये है कि जब एक दिन आप बना लेंगे या आप ना बनाएंगे ना, तो आपकी मोटिवेशन यू विल गिव अप। अगर आपका बेसिकली बिजनेस करने का जो रीज़न है वो मोर इंटर्नजिक है, वो बेसिकली और भी बेसिकली सीरियस है, जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया कि मेरे लिए फ्रीडम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने एक महीने की छुट्टी लेनी है, भाई आई कैन टेक 1 month ऑफ, मैंने अपने दोस्तों से मिलने जाना है, मैं जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे आना है आज घूमने के लिए, मैं आ सकता हूँ, सही है ना? तो सवाल ये है कि देखें, बात पैसे की नहीं है, ऑनलाइन बिजनेसेस में भी अगर आप जाते ना, आप बोलते हैं कि बस हम बिज़नेस कर लें बिकॉज हम पैसे बना लें, आज आप मेरी बात आप याद रखें, आप नहीं, वो काम नहीं कर सकते, वो आपके लिए नहीं है, सही है ना? बिज़नेस करने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्क की मोटिवेशन। बट उसका जो मज़ा जो है ना, वो फ्रीडम की सूरत में आपको मिलता है कि भाई कोई आपके पास खड़ा नहीं हुआ होता है, आप किसी के लिए नहीं काम कर रहे होते, आप खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने जो करना है आप करें, आपने जाना है अपनी फैमिली के साथ घूमने, आप जाइए, आपने अपनी पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं, ई कॉमर्स बिजनेसेस हो गए, फ्रीलांसिंग बिजनेस हो गए, जो भी जो लैपटॉप के थ्रू हो सकते हैं, राइट, वो आप कर सकते हैं ना, राइट? और लास्ट में वही बात मैं आपको बोलूँ ना कि देखें, जब बॉस बोलते हैं ना 15 घंटे काम करने को, तो आपकी सिरक जाती है, आप बोलते हैं शिट, आई एम पुटिंग इन सो मच एफर्ट, मैं अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ। पर आप जब खुद के लिए काम करते हैं ना वही 15 घंटे, तो उसका मज़ा ही अलग है। तो कॉमेंट्स में जाइए और मुझे बताइए कि भाई फ्रीडम आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बिज़नेस करने की, ऑनलाइन बिज़नेस करने की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है कि दोस्तों फ्रीडम है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखें, यहाँ पे आना, घूमना, और ये सब बेसिकली क्यों है? क्योंकि भाई बिज़नेस है, कोई मेरे ऊपर खड़ा नहीं हुआ है, कोई मुझे नहीं बोल रहा अली आपने जाना है काम पे सुबह, आज मंडे हो चुका है, आप क्यों यहाँ पे घूम रहे हैं? कि ये है फ़ायदा बिज़नेस ओनर का, कि आपको पैसे के अलावा आपको फ्रीडम मिलती है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज इंसान। बिकॉज जब आपको फ्रीडम मिलती है, तो आप दिल से जो आप चीज़ें करना चाहते हो आप अचीव कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने थॉट्स बताइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, कम ऑन, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको रेगुलरली ऐसे वीडियोज़ भेज सके। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।